नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कैसे आप अपनी कंप्यूटर लैपटॉप की हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ओल्ड या न्यू लैपटॉप खरीदते हैं तो उसको आप डब्बे पर ना चेक करते हुए कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर ही चेक करें, जिससे आपको ये ट्रस्ट हो जाए कि इसके अंदर रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क कितनी है और हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो ये कैसे हम चेक करते हैं, कौन से हमें स्टेप फॉलो करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको रैम प्रोसेस चेक करने का, उसके बाद हार्ड डिस्क का मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल से आपको जाना है यहाँ पर कंट्रोल पैनल के अंदर एंड यहाँ पर ऑल कंट्रोल पैनल आइकन्स आ जाएंगे एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है फंक्शन सिस्टम, सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो विंडो है वो सामने डिस्प्ले हो जाएगी, जैसे कि हमारी विंडो 10 है, ठीक। एंड प्रोसेसर इंटेल है, कोर i3 है, ठीक है। एंड इंस्टॉल रैम कितनी है इसमें, इतनी है, और 4GB रैम है इसके अंदर, ठीक। एंड इसमें 3.87 यूजेबल है, ठीक। और सिस्टम टाइप 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड 64-bit प्रोसेसर है। दोस्तों 32-bit होता है, 64-bit अलग होता है, जहाँ पर आप सॉफ्टवेयर दोनों में अलग अलग तरीके से इंस्टॉल करते हैं। ये ध्यान रखना, 64-bit वाला सॉफ्टवेयर 32 में नहीं चलेगा और 32-bit वाला सॉफ्टवेयर 64-bit में चल जाएगा। तो प्रोसेसर भी आप चेक कर लीजिए और यहाँ पर बिट कौन सा है ये आप चेक कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर रैम और प्रोसेसर की बात हो गई। अब हार्ड डिस्क कैसे चेक करते हैं पूरे कंप्यूटर लैपटॉप की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम इसको उठाते हैं और आपको विंडो आर प्लस यानी रन कमांड को ओपन कर लेना है। तो मैं विंडो आर प्लस को प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है, ठीक है, compmgmt.msc, सिंपल सा ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपकी ये डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने, यहाँ पर है डिस्क मैनेजमेंट, सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। एंड डिस्क मैनेज पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आएगी यहाँ पर जो आपकी एक्चुअल हार्ड डिस्क है, तो यहाँ पर 931, तो यहाँ पर 931 हमारी कंप्यूटर लैपटॉप की हार्ड डिस्क है। दोस्तों वैसे कि 1TB है यानी कि 1000GB हार्ड डिस्क है, लेकिन ये पूरी नहीं मिलती, जैसे कि रैम मैंने आपको 4GB बताया, लेकिन यूजुअल यहाँ पर यहाँ पर 3 MB थी, ठीक है, 3GB थी। तो यहाँ पर 1000 है तो यहाँ पर 950 GB होगा आपका, तो पूरा नहीं होता, ध्यान रखना। तो अगर आपको इसी रिक्वायरमेंट है तो आप यहां से भी चेक कर सकते हैं और सिस्टम में जाकर प्रोसेसर एंड रैम उसके जो बिट है वो भी चेक कर सकते हैं। तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप ओल्ड या न्यू दोनों में ही इस तरीके से कर सकते हो चेक हार्ड डिस्क एंड रैम एंड प्रोसेसर। आई होप आपकी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।